हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया टॉप 20 गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेजेस। अब देखिए, रैंक नंबर 10 पे जो है हमारे पास में डिप्सार है, जो पुराना नाम है, और अभी जो है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी दिल्ली में है और DPSRU के नाम से फेमस है। और ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फार्मा की यूनिवर्सिटी है। अदरवाइज आपको हर जगह डिपार्टमेंट और फैकल्टी देखने को मिलती है, ये पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ही फार्मा की है। 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था और यूनिवर्सिटी तो ये अभी रिसेंटली ही बनी है, पिछले कुछ सालों में। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी 71 है, तो काफी ज्यादा कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं और फैकल्टी भी काफी सारी है। प्लेसमेंट 4.2 से 6.5 लाख का है, तो प्लेसमेंट भी अच्छा है। एवरेज पैकेज क्योंकि हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है और रिसर्च काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पर। बी फार्मा में 120 सीट्स का इंटेक है और एम फार्मा में 125 सीट्स का इंटेक है। NIRF रैंकिंग जो 2023 में रही है वो 25 रही है। अगर प्लेसमेंट देखोगे तो UG डिग्री के अंदर बी फार्मा में जो प्लेसमेंट रहे हैं वो लास्ट सेशन में 4.5 लाख का पैकेज गया, एवरेज पैकेज गया है, ठीक है। काफी सारे बच्चे थे, उसमें से केवल 16 ही प्लेस हुए हैं, बाकी सारे बच्चों ने हायर डिग्री जो है वो ऑप्ट की है। पोस्ट ग्रेजुएशन में देखिए, यहाँ पर इनके पास में लास्ट सेशन में 113 स्टूडेंट्स थे, 113 स्टूडेंट्स में 90 प्लेस हो गए थे। देखिए प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है और 6.5 लाख का पैकेज मिला है। और फिर 10 बच्चे जो है इनके हायर स्टडीज में गए हैं, काफी अच्छा प्लेसमेंट है और एवरेज पैकेज जो है यहाँ पर शो किया है। और ये पैकेज जो भी शो किया है, प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल अप्रूव्ड रिकॉर्ड है, यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइट पे इंस्टीट्यूशन ने ही सबमिट किया है। देखिए यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स कितने हैं, स्पॉन्सर्ड 5 प्रोजेक्ट जो है इनके लास्ट सेशन में रहे हैं और उससे इनको 57 लाख रुपीज मिले हैं। और 2021 सेशन में 27 लाख इनको मिले थे और 1920 सेशन में इनको 3 करोड़ की फंडिंग थी। आप देखिए कितने बड़ी फंडिंग थी इनके पास में। उसके अलावा कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 रिसर्च प्रोजेक्ट हैं इनके पास 2021 में और 4 लाख रुपीज इन्होंने अर्न किए हैं उससे। 2021 में कोई कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट नहीं था और 2019-20 में 3 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट थे, तो 8 लाख रुपीज यहाँ इन्होंने अर्न किए थे। तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट भी ये दिखाता है कि जो फैकल्टी है वहां पर वो कितनी अच्छी है, उनको कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं जिस इंस्टीट्यूशन में कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट ज्यादा है वहां की फैकल्टी को कंपनी से, फार्मास्यूटिकल कंपनी से और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वहां से कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, किसी इंस्टीट्यूशन के पास कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स हैं। रैंक नंबर 9 पर जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन आ रहा है वो BBAU जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। सो 2020 के अंदर इसका जो डिपार्टमेंट था उसको स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज नाम से जो है अपग्रेडेड कर दिया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है, फैकल्टी यहाँ पर 12 फैकल्टी, यहाँ पर केवल एमफार्मा का कोर्स चलता है, इसलिए फैकल्टी जो है आपको कम लग रही होगी, बट केवल एमफार्मा चलता है यहाँ पर। प्लेसमेंट यहाँ पर 2.3 से 3.4 लाख के आसपास हुआ है, एवरेज पैकेज है यहाँ पर, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च अच्छा है, एमफार्मा में 30 सीट्स अवेलेबल है और NIRF रैंकिंग इसकी 20 है 2023 के अंदर। सारी नई यूनिवर्सिटी बन रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अब यहाँ पर प्लेसमेंट आप देखिए पिछले 3 सेशंस के, तो पिछले 3 सेशंस के प्लेसमेंट में इनके पास 24 ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स है, 17 प्लेस हो गए और 3.45 लाख जो है लास्ट ईयर यहाँ पर मिला है। 4 बच्चे इनके PhD करने चले गए। रिसर्च अगर हम देखें तो पिछले 3 सेशन में जो था लास्ट सेशन था उसमें 4 रिसर्च प्रोजेक्ट थे, उससे लास्ट में भी 4 रिसर्च प्रोजेक्ट थे और 2019-20 में 2 रिसर्च प्रोजेक्ट थे। 86 लाख जो है इनको लास्ट सेशन में मिला है, काफी अच्छा अमाउंट है। 29 लाख इनको 2021 में मिला है और 1 करोड़ रुपीज जो है इनको 2019-20 में मिले, तो फंडिंग काफी अच्छी है। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर 1 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट था, उससे 50,000 रुपीज इन्होंने अर्न किया है। 2021 में कोई भी कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट नहीं था और 2019-20 में जो है 1 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट था, उससे 20,000 रुपीज इनको मिला है। तो रिसर्च अच्छा है, ग्रोइंग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फंडिंग अच्छी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। रैंक नंबर 8 पर जाधवपुर यूनिवर्सिटी है। देखिए जाधवपुर यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल की काफी फेमस यूनिवर्सिटी है और फार्मा में भी काफी फेमस यूनिवर्सिटी है। 1963 में एस्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी, फार्मा डिपार्टमेंट भी यहाँ का काफी पुराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा है, फैकल्टी 30 है, 30 नंबर में फैकल्टी होना अच्छी बात है। प्लेसमेंट जो है 3.17 से 4.8 लाख है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च
काफी अच्छी है। बी फार्मा में 60 सीट्स पर इंटेक है, एम फार्मा में 36 पे इंटेक है और एनआईएफ रैंकिंग जो है इनकी काफी अच्छी रही है, वो 18th रैंक इनकी एनआईएफ रैंकिंग रही है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो पिछले 3 सेशन में जो प्लेसमेंट्स रहे हैं उसमें इनके अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं। देखिए 67 स्टूडेंट्स इनके पास थे, उसमें से 56 प्लेस हो गए, तो काफी अच्छी बात है। जो एवरेज पैकेज मिला है वो 4.5 का पैकेज मिला है। रिमेनिंग बच्चे जो हैं फर्दर हायर स्टडीज में चले गए। अगर हम पीजी डिग्री एम फार्मा की बात करें तो लास्ट 3 सेशन में इनके पास 24 स्टूडेंट्स थे और लास्ट सेशन में जो है इनके पास में जो बच्चे थे वो 21 बच्चे थे, उसमें से 10 प्लेस हो गए और एवरेज पैकेज जो मिला है 3.5 लाख। रिसर्च फैसिलिटी भी जादवपुर में काफी अच्छी है। देखिए पिछले 3 सेशन में जैसे 21-22 का सेशन में 8 रिसर्च प्रोजेक्ट थे इनके पास में, 76 लाख रुपीज इनके पास में अर्न हुए। 20-21 में इनके पास में 9 रिसर्च प्रोजेक्ट थे, उससे 62 लाख रुपीज अर्न हुए हैं और 19-20 में 23 रिसर्च प्रोजेक्ट थे। 1.9 करोड़ मतलब कि लगभग 2 करोड़ ही हो गए यहाँ पर, ठीक है। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट भी इनके पास काफी अच्छे हैं। 21-22 में जो इनके पास में 3 रिसर्च प्रोजेक्ट थे उससे इन्होंने 10 लाख रुपीज अर्न किए। 20-21 में 1 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट था और 19-20 में भी 1 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट था। रैंक नंबर 7 पे हमारे पास में आ गया नाइपर राय बरेली। नाइपर राय बरेली जो है अभी जो है ओन कैंपस में नहीं है, दूसरे कैंपस में चल रहा है, बट जो है एस्टेब्लिशमेंट इसका 2008 में एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टी 22 फैकल्टी है, सारी यंग फैकल्टी है। प्लेसमेंट यहाँ पर जो है 3.6 से 4.12 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ पर गया है एम फार्मा के पास। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च काफी अच्छा है। एम फार्मा में इंटेक 90 सीट्स का होता है और एनआईएफ रैंकिंग इसकी 14 है। नाइपर जितने भी हैं वहाँ पर केवल एम फार्मा की पढ़ाई होती है और पीएचडी की पढ़ाई होती है। प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 सेशन में अगर हम देखें तो इनके पास ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट लास्ट सेशन में 74 थे, उसमें से 55 का प्लेसमेंट हो गया। 4.12 लाख जो था एवरेज पैकेज था और 13 स्टूडेंट इनके जो है हायर स्टडीज में चले गए, मतलब कि पीएचडी करने चले गए। नाइपर रायबरेली में अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट देखोगे तो पिछले 3 सेशन में काफी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट मिले हैं। यहाँ पर 21-22 में जो प्रोजेक्ट मिले हैं वो 14 प्रोजेक्ट इनके पास थे, उससे इनको 60 लाख रुपीज का ग्रांट जनरेट किए इन्होंने। 20-21 में 7 रिसर्च प्रोजेक्ट थे और उससे 36 लाख की ग्रांट जनरेट करी थी और 19-20 में जो 6 रिसर्च प्रोजेक्ट थे और 3 लाख रुपीज की ग्रांट इन्होंने जनरेट की थी। 21-22 में अगर हम कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की बात करें तो 1 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट था और उससे 2 लाख रुपीज इन्होंने अर्न किए। और सिमिलरली 20-21 और 19-20 में भी 1-1 इनके पास में कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट था। रैंक नंबर 6 में नाइपर अहमदाबाद आता है, वो भी 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसने अपना कैंपस डेवलप कर लिया है, इनके खुद के कैंपस में ही है, तो नया कैंपस बना है तो कैंपस काफी अच्छा है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, फैकल्टी का नंबर भी काफी अच्छा है। 32 फैकल्टी अपने आप में काफी अच्छी नंबर है और प्लेसमेंट 3.7 से 4.9 लाख का प्लेसमेंट हुआ है, तो एवरेज पैकेज है। अहमदाबाद में काफी सारी इंडस्ट्री भी है तो प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, नए हॉस्टल्स बने हैं तो अच्छे होंगे डेफिनेटली। रिसर्च काफी अच्छी है। एम फार्मा में 155 सीट्स पर इंटेक है और एनआईएफ रैंकिंग जो है 2023 की 13 है, तो काफी अच्छी रैंक है इसकी। अगर हम यहाँ पर लास्ट 3 सेशन के प्लेसमेंट्स देखेंगे तो देखिए 142 स्टूडेंट्स इनके पास थे, उनमें से 115 प्लेस हो गए, तो काफी अच्छा नंबर है। और 4.96 लगभग 5 लाख ही हो गया, एक तरह से 5 लाख का प्लेसमेंट कोई बुरा प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि एवरेज पैकेज हम बोल रहे हैं इसको। और 25 बच्चे यहाँ पर फिर पीएचडी करने चले गए। अगर नाइपर अहमदाबाद में ही रिसर्च की बात करें तो देखिए पिछले 3 सेशन में इनके पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे। देखिए 22 प्रोजेक्ट 21-22 में थे और 20-21 में 21 प्रोजेक्ट थे, उससे पहले 17 प्रोजेक्ट थे। और फंडिंग भी देखिए यहाँ पर 1 करोड़ प्लस की फंडिंग है, 1 करोड़ प्लस हर बार 1 करोड़ प्लस की फंडिंग है, तो फंडिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट भी काफ़ी चल रहे हैं, मतलब कि जो फैकल्टी है उसका इंडस्ट्री से लिंकेज है, कंसल्टेंसी वो वहाँ इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी दे रही है, तो 52 लाख रुपीज इन्होंने अर्न किए हैं कंसल्टेंसी, दैट इज अ गुड साइन ऑफ द रिसर्च। अब रैंक नंबर 5 को आप देखें तो नाइपर गुवाहाटी है जो कि असम में है और 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था, नया इंस्टीट्यूशन बना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, फैकल्टी जो है वो 36 है। प्लेसमेंट अगर हम देखें तो एवरेज जो है 4.2 से 4.5 लाख का जो है प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज मिल रहा है बच्चों को। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छे हॉस्टल हैं, रिसर्च काफ़ी अच्छी है। एम फार्मा में 125 सीट्स का इंटेक है और एनआईएफ रैंकिंग जो 2023 में रही है वो 12 रही है।
लास्ट 3 सेशन का अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो 100 बच्चों में से जो है 65 बच्चे प्लेस हो गए, 4.5 लाख का पैकेज मिला, रिमेनिंग 35 स्टूडेंट जो हैं वो हायर स्टडीज के लिए चले गए। रिसर्च अगर आप देखें तो लास्ट 3 सेशन में काफ़ी अच्छी रिसर्च इनके पास में रही है। आप देखिए 11 प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं 21-22 में और उससे 9 करोड़ की ग्रांट इनको मिली। आप देखिए कितनी बड़ी ग्रांट है 9 करोड़ की ग्रांट, और 20-21 में इनके पास 10 प्रोजेक्ट रहे हैं और 13 करोड़ की इनको ग्रांट मिली है। 19-20 में 13 जो है इनके पास प्रोजेक्ट रहे हैं, उनमें से 8 करोड़ की इनको ग्रांट मिली है। तो प्रोजेक्ट गुवाहाटी के पास काफ़ी सारे हैं और अमाउंट भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब यहाँ पर रिसर्च फैसिलिटी बहुत ही अच्छी हुई है। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, 3 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट 20-21 सेशन में थे, 1 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट 20-21 में था और 19-20 में कोई कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट नहीं था। लास्ट सेशन में इन्होंने 14 लाख रुपीज़ जो है ऑलमोस्ट अर्न किए हैं। रैंक नंबर 4th पे जो है पंजाब यूनिवर्सिटी, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी, आज़ादी से पहले की यूनिवर्सिटी है। 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी और फार्मेसी डिपार्टमेंट उसके बाद इस्टेब्लिश हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी, फैकल्टी का नंबर भी काफ़ी अच्छा है। जितने भी नाइपर्स में भी फैकल्टी पढ़ रही हैं और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी पढ़ रही हैं वो यहाँ से पढ़ के भी निकली हैं। फैकल्टी का नंबर 29 है। प्लेसमेंट जो है 2.2 से 6 लाख के आसपास जो है आपका प्लेसमेंट है। हॉस्टल फैसिलिटी अब अच्छी है, रिसर्च फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। बी फार्मा में 60 सीट्स का इंटेक है और एम फार्मा में 70 सीट्स का इंटेक है। एनआईएफ रैंकिंग जो है इनकी 8 है। अगर लास्ट 3 सेशन के प्लेसमेंट अगर हम देखते हैं तो 74 स्टूडेंट्स इनके पास में थे पोस्ट ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में इनको 4.5 लाख रुपये जो है वो अर्न हुए हैं। और 19-20 का अगर पैकेज देखें तो यहाँ पर 6 लाख रुपए बच्चों को मिले थे। रिसर्च फैसिलिटी आप देखोगे तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, 15 प्रोजेक्ट भी 21-22 में इनके पास थे और 23 लाख रुपीस की इनको फंडिंग अवेलेबल थी। अगर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट देखें तो 8 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हैं और 31 लाख रुपये इनको लास्ट सेशन में मिले थे। रेस्पेक्टिव रिमेनिंग ईयर का आप डाटा देख ही सकते हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कितनी कितनी फंडिंग अवेलेबल थी। रैंक नंबर 3 पर हम रखेंगे नाइपर मोहाली को, जो सबसे पुराना नाइपर है और सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था, 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है इसका, ठीक है। फैकल्टी 43 फैकल्टी है, फैकल्टी का नंबर भी काफ़ी अच्छा है। 5.5 से 6.3 लाख का एवरेज पैकेज है। हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, रिसर्च तो काफ़ी अच्छी है और एम फार्मा में 268 सीट का इंटेक है। देखिए कितनी ज़्यादा सीट्स हैं। और एनआईएफ रैंकिंग जो रही है इसकी 2023 की वो 6th रही है। अगर प्लेसमेंट्स को देखेंगे तो पिछले 3 सेशन के प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। अब देखिए 249 स्टूडेंट्स के पास थे, उसमें से 200 बच्चे का प्लेसमेंट हो गया और जो एवरेज पैकेज था वो 6.3 का था। तो एवरेज पैकेज भी काफ़ी अच्छा है और लगभग 6 लाख के आसपास ही इनका जो है एवरेज पैकेज आया पिछले 3 सालों का। क्लियर। रिसर्च फैसिलिटी देखोगे तो लास्ट 3 सेशन में इनके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे। आप देख सकते हैं 21-22 में इनका 32 प्रोजेक्ट्स थे, 20-21 में 36 प्रोजेक्ट्स थे और 19-20 में 35 प्रोजेक्ट्स थे। 21-22 में 2 करोड़ प्लस की फंडिंग मिली है, 20-21 में 4 करोड़ प्लस की फंडिंग मिली और 19-20 में 3 करोड़ प्लस की फंडिंग मिली। काफ़ी अच्छी फंडिंग इनके पास में अवेलेबल है। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो 30 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स हैं 21-22 के अंदर और 20-21 के अंदर 31 और 19-20 में 32। तो आप देखिए कितना ज़्यादा कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स हैं। ये काफ़ी अच्छा साइन है फैकल्टी का कि फैकल्टी जो है कंसल्टेंसी दे रही है। 32 लाख रुपीज़ इन्होंने 21-22 में अर्न किए और 38 लाख इन्होंने 20-21 में अर्न किए और 35 लाख इन्होंने 19-20 में अर्न किए। तो रिसर्च काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रैंक नंबर 2 पे अगर हम देखेंगे तो ICT मुंबई जो है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इनका। फैकल्टी नंबर जो है वो 52 है और प्लेसमेंट आप देखिए प्लेसमेंट कितना अच्छा है, 4 से लेकर 7.6 लाख का एवरेज पैकेज है यहाँ पर। यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च काफ़ी अच्छा है। बी फार्मा में ओनली 30 सीट्स का इंटेक है और 18 एम फार्मा सीट्स का इंटेक है। इंटेक काफ़ी कम है और रैंक जो ऑल इंडिया रैंक रही है और 5 रही है इनकी NIRF रैंकिंग। प्लेसमेंट आप देखिए, UG के प्लेसमेंट देखिए, पिछले 3 सेशन में जो इनके प्लेसमेंट्स रहे हैं यहाँ से बच्चे जो है हायर स्टडीज में और ज़्यादा जाते हैं। तो 27 में से 4 बच्चे ही प्लेस हुए हैं, उनमें से 4 बच्चों का एवरेज पैकेज 7.6 लाख रहा है और 22 बच्चे जो है एम फार्म करने चले गए।
या पोस्ट ग्रेजुएशन हायर स्टडीज के लिए चले गए। अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी में पिछले तीन सेशन में वही 18 सीट्स हैं और 18 में से 11 स्टूडेंट यहाँ प्लेस हो गए। 4 लाख का लास्ट ईयर पैकेज मिला, उससे पहले जो है 5.5 लाख का पैकेज मिला था। तो बी फार्म लेवल पे काफी अच्छा पैकेज यहाँ पर मिल रहा है आईसीटी मुंबई में। अगर रिसर्च बात करें तो यहाँ भी रिसर्च काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं पिछले तीन सेशन में काफी अच्छी रिसर्च हुई, करोड़ में फंडिंग है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 6 करोड़ की फंडिंग 21-22 में मिली है, 20-21 में 5 करोड़ की फंडिंग मिली है और 19-20 में जो है 4 करोड़ की फंडिंग मिली। तो फंडिंग बहुत अच्छी है और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स भी काफी सारे हैं। तो 18 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट 21-22 में थे, 22 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट 20-21 में थे और 26 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट 19-20 में थे। 75 लाख रुपीज इन्होंने अर्न किए 21-22 में, 1 करोड़ रुपीज जो है इन्होंने 20-21 में अर्न किए, तो बहुत ही गजब का फिगर है ये। और 19-20 में जो है भी 1 करोड़ प्लस फंडिंग जो है इन्होंने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट से अर्न की है। तो काफी अच्छा साइन है, आईसीटी का नाम काफी फेमस है। रैंक नंबर 1 पे जो है नाइपर हैदराबाद है इस बार, और एस्टेब्लिश जो है 2007 में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, नया इंस्टीट्यूशन बना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग काफी अच्छी है, नए तरीके से बनाई गई है। फैकल्टी का जो नंबर है वो भी अच्छा नंबर है, 35 फैकल्टी, और प्लेसमेंट आप देखिए 6.8 से 8.85 का तो एवरेज पैकेज है। तो आप सोच सकते हैं कि एवरेज पैकेज का मतलब 50% डाउनसाइड एंड 50% अपसाइड, तो हाईएस्ट पैकेज तो लगभग 16 लाख के आसपास होगा। हॉस्टल पैकेज जो है, हॉस्टल जो है वो अवेलेबल है, नए हॉस्टल बने तो काफी अच्छे हॉस्टल है, रिसर्च इज वेरी गुड, एमफार्मा 184 सीट्स का इंटेक है, एनआईआरएफ रैंकिंग जो इसकी फर्स्ट है। अब देखिए प्लेसमेंट हम देखते हैं, लास्ट 3 सेशन के प्लेसमेंट आप देखिए, 162 स्टूडेंट के पास से 142 प्लेस हो गए, 8.85 लाख इसको अर्न हुआ। उससे पहले वाले सेशन में देखिए 8.5 लाख का पैकेज मिला और उससे पहले वाले सेशन में 6.8 लाख का पैकेज मिला। तो लास्ट 2 सेशन से 8.5 लाख का एक एवरेज पैकेज बच्चों को यहाँ पर मिल रहा है और रिमेनिंग जो बच्चे हैं वो हायर स्टडीज में चले गए, मतलब कि पीएचडी करने चले गए। रिसर्च देखेंगे तो आप देखिए पिछले 3 सेशन में कितने अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट हैं। देखिए लास्ट सेशन में तो 42 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं और 2021 में 29 प्रोजेक्ट्स थे और 2019-20 में जो है 11 प्रोजेक्ट्स थे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट सेशन में जो स्पॉन्सर प्रोजेक्ट थे उसमें 7 करोड़ रुपीज इन्होंने अर्न किए, फंडिंग ग्रांट जनरेट हुई है। 2021 में जो है 5 करोड़ की ग्रांट जनरेट हुई है और 2019-20 में 1 करोड़ की ग्रांट जनरेट हुई है। इसके अलावा कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट देखेंगे तो नंबर देखिए आप कितना वूपिंग नंबर है, मतलब जबरदस्त नंबर है, 26, 33, 39, तो बहुत ही बढ़िया नंबर है। और जो कंसल्टेंसी से प्रोजेक्ट लाना बहुत मुश्किल होता है, फैकल्टी की रिसर्च प्रोफाइल काफी अच्छी हो तभी उसको कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिलते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिलना आसान है, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिलना ही सबसे टफ होता है। इसीलिए आपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन में देखा होगा, कहीं कहीं 0 का फिगर भी देखा होगा, तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिलना बहुत टफ वर्क होता है। तो वहां पर ये इंस्टीट्यूशन जो है काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरे 20 रैंक वाले इंस्टीट्यूशन के बारे में आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से 20 इंस्टीट्यूशन वाले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो इसके बाद जो है मैं प्राइवेट में जो टॉप 20 इंस्टीट्यूशन उसका भी जो है वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।